आप लेंगे? हाँ थोड़ा सा। थोड़ा सा क्यों, मैंने बनाया है, लीजिए। आँख में पेट भरोगे या नाश्ता भी करोगे? नाश्ता नहीं दोगी? दे रही। अरे प्रज्ञा, क्या मेथी के पराठे बनाए हैं तुमने, बहुत अच्छे। दादी आज सारा खाना दिशा ने अपने हाथों से बनाया। क्या बात है प्रज्ञा। वाह, हमारी दिशा के हाथ में भी जादू है। अरे बेटा, आते ही रसोई संभाल ली? दीदी फिक्र मत करो, थोड़े दिनों में प्रज्ञा के साथ रहकर ना पूरा घर संभाल लेगी वो। हाँ तो बहुत अच्छी बात है। देखो अगर तुम फ्री हो जाओगी, क्योंकि दिशा तो सब कुछ संभाल रही है ना, तो हम चले गए। कल रात को जो काम अधूरा रह गया तो उसे पूरा करते हैं ना। प्लीज नाश्ता कीजिए। क्या कर? जल्दी आ जाएंगे। अरे भाई सब खामोशी रहेंगे, कुछ मतलब की बात भी करोगे? मैंने कहा ना चुपचाप खाना खा। दीदी कब से पूछ रही, ये बोल नहीं रहे। अगर ये नहीं बोलेंगे तो मुझे तो पूछना ही पड़ेगा ना। आप पूछने क्या चाहती हैं दादी? ओए तू तो चुप कर, बड़ी भोली बनती है, कब से पूछ रही बता ही नहीं रही। मैं एक काम करती हूँ, पूरब से पूछ लेती हूँ। पूरब बेटा, कल रात की नींद कैसी रही? ठीक थी। ठीक थी? हाँ अच्छी थी। बस अच्छी थी? अच्छी थी। मैं अभी से पूछती हूँ। अभी बेटा कल रात की नींद कैसी थी? कैसी थी मतलब? ठीक थी। बहुत अच्छी हो सकती थी, लेकिन राटे ना रात खराब कर। इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, ये कोई जवाब हुआ क्या? जैसा तू सवाल करेगी जवाब भी तो वैसा ही मिलेगा ना। चुपचाप खाना खा, नाश्ता कर और उनको भी करने दे। हाँ जब तक मैं इनसे पूछ नहीं लूंगी मेरा नाश्ता नहीं पचेगा। अच्छा ये तुम चारों मेरी बात समझ रहे हो ना, या ना समझने का नाटक कर रहे हैं? बबली बेटा नाश्ता हो गया तुम्हारा, अभी पढ़ाई भी करनी है ना, चलो जाओ। हे दासी आपको हो क्या गया? आप साफ साफ बताएंगे आप पूछना क्या चाह रही हैं? तो आप ये चाहते हैं कि मैं आपसे खुल्लम खुल्ला पूछ लूं, तो ठीक है पूछती हूँ। ये बताओ तुम दोनों जोड़ियों की सुहागरात कैसे कटी? पूरियां खत्म हो गई, मैं लेकर आती हूँ, मैं सब्जी लेकर आती हूँ। सब्जी के लिए पूरी के लिए चले गए? अभी वो ऑफिस में मीटिंग है ना, मुझे जाना है, मैं अभी आता हूँ। तू पागल हो गया है? तू मेरे बिना काम करेगा? मुझे भी तो तेरे साथ बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तू चल। ओए ये मेरा जवाब दिए बगैर ही चले गए। दासी शर्मा गई होगी ना, आप भी तो कमाल की बात पूछ रहे थे उनसे। बच्चे थोड़ी है ना, बड़े हो गए, जवाब तो देंगे। क्यों आलिया? ये भी शर्मा के चली गई। शर्मा के नहीं, देख नहीं रही, गुस्से से गई है। हाँ दीदी आज सुबह सुबह नाश्ते में मिर्ची ज्यादा हो गई। वही सोच रही थी, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है, मैं नहीं जा सकती उनके सामने। अब मैंने पहली बार ऐसे दादियों को बातें करते हुए सुना है। हमारे यहाँ की दादियाँ तो बस घर गृहस्थी की बातें करती है, ज्यादा से ज्यादा बहू की चुगली करती है। ऐसी बातें कहते हुए मैंने तो पहली बार सुना है। तो तुम दादी के सामने जाने की टेंशन बिल्कुल मत लो। सच दीदी मैंने ऐसी फैमिली पहले कभी नहीं देखी है, लगता ही नहीं मैं कल आई हूँ।
और ऐसा भी नहीं लगता कि मैं इस घर की बहू हूँ. लगता है जैसे मेरा बरसों का नाता है और मैं बेटी हूँ इस घर की. ये घर है ही ऐसा. पता, मैं जब आई थी ना, मैं भी बहुत नर्वस थी. अरेंज मैरिज हुई थी ना, मैं किसी को जानती भी नहीं थी और मेरी और इनके बीच में तब तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी, क्या बताऊँ मैं. पर दादी है ना, दादी ने मुझे इतना प्यार दिया कि दूसरे दिन मुझे लगने लगा कि मेरा ससुराल नहीं, मेरा मायका है, अपना ही घर लगने लगा. और ऐसा रिश्ता जुड़ गया जो अब मानो जब सांस छूटेगी ना तभी छूटेगा. तुम तो मेरी बहन हो. प्रज्ञा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है. एक मिनट, हम कुछ समझा रहे हैं, बाद में तुमसे बात करते हैं. इससे ज्यादा मेरा काम ज्यादा जरूरी है, समझी तुम? अभी इसी वक्त चलो. चलो. अरे साथ में चलो. लेकिन हाथ छोड़ो, मैं बात कर रही थी ना उससे. तुम ऐसे, हमारा मतलब है तुम ले आए वो दिशा को. शंका हो, शंका हो या लंका जल जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. मेरे लिए तो नहीं, मतलब क्या करती तुम, फर्क नहीं पड़ता है तुमको. गुस्से में काहे हो, क्या हो गया? क्या नहीं हुआ है मुन्नी, तुम्हें नजर नहीं आता क्या? मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी पूरी फैमिली सिर्फ वही चीजें करती है जिससे मुझे गुस्सा आता है. जो मैं चाहती हूँ, जैसा मैं चाहती हूँ, वैसा कभी नहीं होता. सब कुछ उल्टा होता है. तो समझ नहीं आता ऐसी फैमिली में क्यों पैदा हो गई मैं. पूरब और दिशा की शादी रोकने की कोशिश की लेकिन शादी हो गई. फिर उनका घर ना बसे उसकी पूरी अरेंजमेंट करती थी, घर में आग लगाती थी. लेकिन फिर वो मेरे घर में आ गए. सोचा था कि उन दोनों को सुहागरात मनाने नहीं दूंगी, लेकिन क्या हुआ, मना ली ना उन्होंने सुहागरात. सब कुछ बर्बाद हो गया, सब कुछ उल्टा होता है. और ऊपर से मेरे फैमिली वाले मुझे चिढ़ा रहे. वहां पर डाइनिंग टेबल पर कैसी कैसी बातें कर रहे थे, तुमने सुना? मुझे चिढ़ाने के लिए वो दादी और दासी, मुझे तो लगता है मुझे चिढ़ाने के लिए ही बोल रहे थे. उल्टा मेरे जले पर एसिड छिड़क रहे थे. सबके सब मिले हुए, कोई मेरे बारे में नहीं सोचता. अच्छा हो, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए. जैसे तुम हो ये घर, क्या एक दिन पूरी दुनिया तुम्हारी दुश्मन बन जाएगी. पर एक दिन तुम इतना जलोगी कि खुद की आग में राख हो जाओगी. और वो दिन आएगा जरूर, क्योंकि मैं वापस आ चुकी. और अभी जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो तो सिर्फ ट्रेलर है. पूरी फिल्म देखने तक शायद तुम अपने पांव पर भी ना खड़ी हो सको. मुन्नी, तुमसे बात कर रही, ये बेड ये कबर्ड इन लोगों से बात नहीं कर रही हूं मैं. कहां खोई भी हो तुम? नहीं, बैठ जाते हैं वो. किस ख्यालों में खोई भी हो तुम? सोच रहे थे कि तुम जो बोल रही हो ये सब, लेकिन देखो कब तक गरजोगी, कब तक बरसोगी. बारिश का कोई फायदा भी तो नहीं हुआ ना. मतलब कुछ होना तो चाहिए, कुछ हो तो नहीं रहा है. सांप गुजर गया है तो उसमें लाठी पीटने से, सर पीटने से कोई फायदा नहीं है. मतलब नहीं बोल रहे, तुम जो बोल रही थी कुछ हुआ नहीं ना. मतलब तुम जो भी चाहती हो होता नहीं है, है ना? मतलब तुम पूरब और दिशा की शादी रोकना चाहती थी, नहीं रोक पाई. उनका घर भसने से रोकना चाहती थी, वो भी नहीं रोक पाई. उनकी सुहागरात भी नहीं रोक पाई. तो अब कुछ बचा ही नहीं है ना, तो क्या कर सकते हैं? तुम्हारे पास एक ही रास्ता है, तुम अपना गुस्सा काबू कर लो. अपने भाई के साथ शांति से रहो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो और हमारे बच्चे हमको लाओ. शट अप. और तुम्हें किसी भी हालत में नहीं मानूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए. जब तक मैं जिंदा हूं ना, मैं हार नहीं मानने वाली. मुन्नी, इन सब लोगों को तो मजाक चखाना होगा, मेरा मजाक उड़ाएंगे? नहीं, बहुत हो गया इन लोगों का, बहुत हो गया मुन्नी. लेकिन अब वक्त आ गया. लेकिन 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 कुछ नहीं, सब लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, सब लोग अपनी हदें भूल रहे हैं. लेकिन देखना, तुम ऐसी हालत करूंगी ना कि कोई भी मजाक उड़ाने के लायक ही नहीं रहेगा. सब लोग मेरे पाँव भी पड़ेंगे ना, तो भी माफ नहीं करूंगी, धक्के मारकर निकाल दूंगी. फिर देखना, तुम जो मैं कहूंगी ना सब वही करेंगे. तुम गुस्सा कंट्रोल करो. देखो आलिया, शांत हो जाओ. कंट्रोल करने का वक्त नहीं है, अब तो आगे बढ़ने का वक्त है मुन्नी. अपना
अपना आखिरी पत्ता बाहर निकालने का टाइम आ गया है। अब तो सीधा गेम खत्म होगी, फिर जैसा मैं बोलूंगी वैसा सब करेंगे। कौन सा गेम, क्या करने वाले हो तुम? जो काम मैंने अधूरा छोड़ दिया था अब से पूरा करने का वक्त आ गया। बहुत छूट दे दी मैंने पूरब को, दादी को, भाई को, पूरी फैमिली को, लेकिन अब बदला लेने का वक्त आ गया है। भाई की 50% प्रॉपर्टी मैंने ऑलरेडी अपने नाम पर करा ली, अब वक्त आ गया है कि बची हुई प्रॉपर्टी और सारे इन्वेस्टमेंट और शेयर्स भी मैं अपने नाम पर करवा लूं। और एक बार जब वो हो जाएगा ना मुन्नी, फिर देखती हूँ कि कौन किसका मजाक उड़ाएगा। मेरे साथ मजाक करते हैं, अब मजाक उनके साथ होगा। और ये सब कुछ करने में मेरी मदद करोगी तुम। तुम आज भाई के साइन लेकर आओगी उन पेपर्स पर, और जब तुम एक बार साइन ले लोगी ना और सब कुछ मेरा हो जाएगा ना, फिर देखना तुम, इस घर की नई ओनर होगी आलिया मेरा। ये लोग मेरे पाँव पड़कर माफी मांगेंगे और मैं इन्हें लक मारकर इस घर से एक एक करके बाहर फेंक दूंगी। मैं जाकर लॉयस से अभी पेपर लेकर आती हूँ। याद रखना, तुम करोगे ये सब कुछ। ये प्रज्ञा दी गई कहाँ? सॉरी, मैंने देखा नहीं आपको। पर मैंने सब देख लिया। ये जो तुम बहुत खुश हो रही हो ना फैमिली वालों के साथ सेलिब्रेशन में और बाकी खुशियों में, जितना खुश होना है हो लो, क्योंकि ज़्यादा टाइम बचा नहीं। तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो? डोंट वरी, बहुत जल्द पता चल जाएगा। दासी, ओ महारानी, ये सामान कौन उठाएगा? सुन रही है क्या? कान भी अपने कमरे में छोड़ाई? एक नंबर की काम चोर है। काम तो होता नहीं, उल्टा मेरा काम बढ़ा दिया इसने। ये क्या हो गया? आलिया तो बहुत गुस्से में है, पूरे घर को सबको बर्बाद कर देना चाहती है। कैसे रोकूंगी उसे? पिछली बार तो मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, अपने प्यार, अपना परिवार, अपनी पहचान सब कुछ छोड़ दिया था इन्हें बचाने के लिए। पर तब बात कुछ और थी। तब मैं आलिया के सामने प्रज्ञा ही थी, लेकिन अब मुन्नी हूं, तब मैं उसे कुछ भी कह सकती थी, पर अब मुझे उसकी बात माननी ही पड़ती है। ऐसे मेरे लिए उसे रोक पाना बहुत मुश्किल है। मैंने मुन्नी बनके इनके करीब आने का रास्ता तो निकाल लिया, पर अब इन्हें आलिया से दूर रखना कैसे करूंगी मैं? मुन्नी बनके जैसे मैंने खुद के ही हाथ पांव काट लिए हूँ, अपने सुहाग के लिए कुछ करूंगी तो आलिया को शक हो जाएगा, उसे पता चल जाएगा कि मैं प्रज्ञा ही हूँ, और वो मुन्नी के बच्चों को, हे भगवान, ये किस धर्म संकट में फंसा दिया है मुझे। मैं प्लीज, मुझे इससे बाहर निकालिए, मेरे परिवार, मुन्नी के बच्चों को आलिया से बचा लीजिए प्लीज। दी, आप यहाँ बैठी है, मैं पूरे घर में आपको ढूंढ रही थी। आलिया को बात करनी थी ना, इसलिए उसके कमरे में। मैं आपसे एक बात पूछूं? हाँ हाँ पूछूं ना। आलिया आपसे इतना रूडली बात क्यों कर रही थी? आपको इस तरह से खींच के लेके गई जैसे जैसे आप पे हुक्म चला रही हो।
दीदी ऐसे तो कोई अपने नौकर से भी बात नहीं करता है। नहीं दिशा, वो एक्चुअली जो बात उसे करनी थी ना वो बहुत जरूरी थी, और आलिया वो ना मुझे भाभी बाद में मानती, पहले सहेली। सहेलियों के बीच में कुछ होता नहीं ना बड़ा छोटा, बस इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा है, या फिर मुझे पूछना भी नहीं चाहिए। पर दी मुझे जो लगा मैं वो आपसे शेयर कर रही हूँ। मुझे तो नहीं लगा कि वो आपको कुछ मानती है या फिर इस फैमिली को कुछ मानती है। मुझे उल्टा उसकी आंखों में बहुत नफरत और गुस्सा दिखाई देता है। मैं जानती हूँ दी, मैं अभी आई हूँ और शायद आप मुझसे ये सारे कलेश डिस्कस नहीं करना चाहते हो, पर प्लीज़ दी, आपने मुझे अपनी छोटी बहन माना है ना, आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई मजबूरी है, मुझे बताइए ना, मुझसे शेयर कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। मैंने ऐसा सोचा, ऐसा कहा, मेरे लिए बहुत है। लेकिन दिशा अभी नहीं, मैं नहीं। दीदी कुछ बात तो है, जब मैं आलिया का चेहरा पढ़ सकती हूँ तो आप तो मेरे अपने हो। आप हमसे कुछ छुपा रहे हो, पर क्यों छुपा रहे हो यही समझ में नहीं आ रहा है। आइयो सर, आपका पान सर। दूसरा पान कहाँ है उन्नी? ये दूसरा पान ही है जी। मेरे बाप अगर ये दूसरा पान है तो पहला पान कहाँ है? क्या सर, आप इतना बड़ा वकील है, मेरा लाल होट देख के आपको समझ में नहीं आता पहला पान मैं खा गया जी। बहुत मीठा, बहुत अच्छा पान सर। अच्छा तेरे लिए मैं यही कोट लगाऊं? आइयो। अरे आलिया जी आप बैठे, क्या लेंगे आप? चाय, कॉफी? पिछले 3 दिन से मैं अपने पेपर्स का वेट कर रही हूँ मिस्टर अशोक, लेकिन अभी तक पेपर्स मेरे पास नहीं पहुँचे। क्या मैं पूछ सकती हूँ क्यों? क्यों नहीं पूछ सकती? ये कोई कोर्ट थोड़ी है कि जज की परमिशन लेनी पड़ेगी हमें। मैं मजाक नहीं कर रही। आलिया जी मजाक हम भी नहीं कर रहे। मैंने आपसे कहा था कि 4 दिन के बाद आइएगा मेरे ऑफिस में, आपसे 2 दिन भी वेट नहीं होता। वक्त ही तो नहीं है मेरे पास, मेरे लिए एक एक मिनट बहुत कीमती है मिस्टर अशोक। तो बेटर रहेगा कि आप मेरा काम अभी इसी वक्त करें और मुझे मेरे हाथ में मेरी फाइल दें, वरना आप मुझे ऑर्डर दे रही हैं या धमकी? जिससे भी काम हो जाए बस वही समझ लीजिए। देखिए आलिया जी, आई एम अ लॉयर, आप मुझे तमीज से बात कीजिए, वरना अभी आपने देखा था ना जो मेरा निकम्मा असिस्टेंट था, उसे और कुछ काम आए या ना आए, लोगों को धक्के दे के निकालना बहुत अच्छी तरह आता है। पहले तो ऑर्डर ही दे रही थी, लेकिन अब आप धमकी समझ लीजिए मिस्टर अशोक। मैंने सुना है आपकी वाइफ संगीता को एलीट क्लब के किटी पार्टी का शौक है, 5 बजे जाती है हर शाम को, और देखिए ना 12:30 हो गए, वो आपकी क्यूट सी बेटी है ना खुशबू, स्कूल में होगी ना इस वक्त, हार्डी बॉय स्कूल, 2nd ग्रेड, बी सेक्शन। आपको ये सब कैसे पता? ये सब कुछ मुझे कैसे पता ये इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन इस सब का मैं कैसे इस्तेमाल कर सकती हूँ, कहाँ इस्तेमाल कर सकती हूँ ये इम्पोर्टेंट है। आपके पास लॉ की डिग्री है तो मेरे पास पैसे हैं, चाहे वो स्कूल का चौकीदार हो या फिर आपके घर का ड्राइवर, मैं किसी को भी खरीद सकती हूँ, और अपनी फैमिली के बारे में सोचिए, उनके साथ तो कुछ भी हो सकता है। वैसे ये उल्टा रास्ता मैं अपनाना नहीं चाहती मिस्टर अशोक, फोर्स मत कीजिए मुझे, फोन नीचे रख दीजिए, और मुझे अभी के अभी वो पेपर्स चाहिए। एक मिनट उन्नी, जल्दी आओ। सर आपने बुलाया? सर अलिया जी की फाइल निकालो। लेकिन सर वो आर के सेट है। वो वेट कर सकते हैं, अलिया जी वेट नहीं कर सकती, इनका काम पहले होगा। ओके सर, ओके जाओ। अलिया जी आप ठंडा लीजिए ना। मैंने कहा ना आपको मिस्टर अशोक कि जब तक मेरा काम नहीं हो जाएगा मैं कुछ नहीं लूंगी। समझ लीजिए आपका काम हो गया, आता ही होगा वो। ये लीजिए उन्नी भी आ गया। सर ये फाइनल कॉपी। खड़े क्यों हैं? आपका काम हो गया तो जाइए। ओके मैडम। इन पेपर्स पे मेरी किस्मत लिखी जा चुकी है, बस अब इस पे ऊपर वाले की मोहर लगानी बाकी है, जो वो भाई के हाथों लगवाएंगे। बस एक आखिरी काम मुझे मुन्नी से करवाना है, और फिर तो मैं उससे भी नहीं छोड़ूंगी।
पेपर्स ठीक है ना? यस मिस्टर अशोक, एकदम ठीक है। एंड डोंट वरी, आपकी फैमिली भी बिल्कुल ठीक रहेगी। बस याद रखिएगा कि जो बातें हमारे बीच में हुई है और इसके अंदर है, ये किसी को पता ना चले। थैंक यू। भाई की 50% प्रॉपर्टी मैं ऑलरेडी अपने नाम पर कर चुकी हूँ। अब वक्त आ गया है कि बची हुई प्रॉपर्टी और सारे इन्वेस्टमेंट और शेयर्स भी मैं अपने नाम पर करवा लूँ। मेरे साथ मजाक करते, अब मजाक उनके साथ होगा। और ये सब कुछ करने में मेरी मदद करोगी तुम आज भाई के साइन लेकर आओगी उन पेपर्स पर। कभी खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत पत्नी मानती हूँ, तो कभी सबसे बदकिस्मत। मतलब मैं इस दुनिया की पहली पत्नी होंगी जो अपने पति को बर्बाद करने में उन्हीं के दुश्मनों का साथ दे रही है।